जिस बाघ के नाम तो सानू मतलब कि त्रेलियां आ जाए घर बैठे भी उत्थे बाघ आ गया जो कुछ हो गया ये लोग जीवन बतीत कर रहे हैं। देखिया मैं बकरियां इदा चार दी सी ना तो बकरियां बकरी पै गया एक बारी दूई बारी फिर दूई बारी तिनी चौदह ने छेला खा लिया। किसी भी जरूरतमंद की सहायता करनी है जां पक्षियों के आलने लगाने हैं जां किसी गरीब नूं किताबां लैके देनी है जां किसी की फीस पे करनी है जां किसी को आपां राशन पहुँचाना है जां कि सानू एक सांझा परिवार वल नूं कदम चुकने पैणगे। अज असीं पोलिटिकल ते रिलीजियस इंटरस्ट तों उपर उठ के सांझे परिवार की असीं कामना करिए। दुख अपना सब नूं दुख लगे दुख दूजे का ना कोई मापदा है पर निगाह सवली जदों हो जावे उदों हर कोई अपना जापदा है बेली हर कोई अपना जापदा है। गल सच है इहदे च झूठ कोई नहीं हर देश दा हुंदे ने भविख बच्चे जदों वांग कड़ियां इह जुड़ जावन जदों एक एक करके जुड़ जावन बदल सकदे ने समाज दी दिख बच्चे बदल सकदे ने समाज दी दिख बच्चे। सारे व्यूअर्स दा दिमाग खोल चैनल ते एक बारी फिर हार्दिक स्वागत है जी। तो जिस तरह तुसी जानदे हो कि आपां पिछले कुछ समय तो जिहड़ी के गल कर रहे हैं हैल्प कम्यूनिटी दी दिमाग खोल हैल्प कम्यूनिटी जो असीं इत्थे हुशियारपुर जिले दे विच शुरुआत की हैल्प कम्यूनिटी का दोस्तों जिहड़ा मकसद आ वह हैगा एक सहायता परिवार नूं पैदा करना। हैल्प कम्यूनिटी मीनस के सहयोगी परिवार सहायता परिवार दोस्त दे इसे संदर्भ दे विच मैनू जिहड़ी एक कॉल है वो रिसीव हुई हरियाणा तो अश्विनी कुमार जी दी और मैनू बहुत तह दिलों खुशी हुई कि जिदा असी एक परिवार बनाने की इत्थे गल कर रहे हैं वो पहले इस कंसैप्ट दे उत्ते काम कर रहे हैं कि एक सहयोगी परिवार एक सहायता परिवार जिहड़ा पूरे विश्व दे विच होना चाहिए ना कि सिर्फ हिंदुस्तान जां किसी जिले दे विच तां ही जिहड़ा साडा समाज दे विच जिहड़ा एक पद्धर जिहड़ा एक सोच दा जिच निघार आया जां गिर चुका आ वो वापस अपने लैवल दे उत्ते आऊगा। तो अश्विनी कुमार जी बारे थोड़ा जिहा दसना चाहूँगा कि वह रोटी बैंक चला रहे हैं जी हरियाणे दे विच उस रोटी बैंक का मकसद आ कि जिहड़ा भी कोई पीड़ित आ इत्थे मैं गरीब की गल नहीं कर रहा जिहड़ा पीड़ित आ पीड़ित कोई भी हो सकता समय की मार दे हेठ पीड़ित कोई भी हो सकता जिहड़ा भी कोई पीड़ित है चाहे वह इंसान है चाहे वह जानवर है चाहे वह पक्षी है उन्होंने लिए जिहड़ा सहायता प्रदान कर रहे हैं। तो अज हुशियारपुर जिले के भी मैं मतलब कुछ अपने दोस्तों ने गल की इधर लैफ्ट साइड उत्ते मेरे दोस्त बैठे ने परमिंदर सिंह जी सोनालिका के कार्यरत ने इन्हां नाल मैं ये जिहड़ा अपना आइडिया शेयर किया कि सानू एक सांझा परिवार वल नूं कदम चुकने पैणगे। अज असीं पोलिटिकल ते रिलीजियस इंटरस्ट तों उपर उठ के सांझे परिवार की असीं कामना करिए एक दूजे की सहायता करिए और जेकर असीं एक एक करके जिदा कहिंदे बूंद बूंद नाल समुंदर भरदा जेकर एक एक करके आपां संगठित हो जावांगे तो जिस तरह छोटे हुंदे एक कहानी पढ़दे सीगे कि जदों एक एक लकड़ी किसान अपने बच्चों नूं तोड़न नूं दिंदा तो वह जिहड़े बच्चे आ कली कली लकड़ी तोड़ दिंदे आ तो जदों वह एक लट्ठा लकड़ियां दा इकट्ठा करके गठड़ जिहड़ा हुंदा इकट्ठा करके दिंदा 20-25 लकड़ियां दा तां वह सारे मिल के भी उस लट्ठे नूं जां गठे नूं तोड़ नहीं सकदे क्योंकि उहदा जिहड़ा सार सीगा असीं पढ़िया वी एकता विच बल है। दोस्तों एकता विच बल ही नहीं आ एकता दे नाल बहुत सारिया जिहड़ियां प्रॉब्लम्स आ अपने आप सॉल्व हो जांदियां। अज असीं इस मुहिम दे तहत 3 परिवार ते 6 बच्चे जिहड़े तुसीं इधर मेरे लैफ्ट साइड दे उत्ते देख रहे हो ये इकट्ठे हो के असीं इह तैयार कीता कि सारे जणे पर हैड एक एक रुपया जिहड़ा रोज़ डोनेट करनगे अपने घरे गुल्लक लाणगे सारे जणे पर हैड एक एक रुपया डोनेट करनगे परिवार दे विच जेकर कोई परिवार दे 3 मैंबर वह भी राउंड फिगर 5 रुपए कर लो जेकर परिवार दे विच कोई 8 मैंबर आ जां 10 मैंबर आ वह भी राउंड फिगर अपने 5 रुपीज़ कर लो तो 5 रुपीज़ पर हैड जां पर फैमिली आपां कहिंदे आउंदे आ और वह 5 रुपीज़ दे नाल अपना महीने का जिहड़ा 150 रुपया कंट्रीब्यूशन बनता है उस कंट्रीब्यूशन दे नाल आपां सारे जणे संगठित होकर देखो 150 रुपया दोस्तों कोई बहुत वड्डी गल नहीं हैगी मैं कहना भी आपां जाने आ बाजार ते तो ज़्यादा खर्च हो जाते हैं कई बार रोज़ की सब्जी इतों महंगी आती है तो वो जिहड़ा 150 रुपीज़ आपां सारे जणे संगठित हो के एकता च बल दी आपां उदाहरण दे के तुसीं अपने घर रखने आ और उस गुल्लक दे उत्ते लिख लेना सहायता परिवार तो अपने बच्चे दे हत्थों उस गुल्लक दे विच जिहड़े तुसीं पैसे पवाने आ वो इस करके पवाने आ पैसे भी बच्चे दे हत्थों पवाने आ ते उस तों बाद जिहड़ा भी आपां किसी भी जरूरतमंद की सहायता करनी है जां पक्षियों के आलने लगाने हैं जां किसी गरीब नूं किताबां लैके देनी है जां किसी की फीस पे करनी है जां किसी को आपां राशन पहुँचाना है जां किसी की जिहड़ी माइकी
हालत जी सुधारनी है या फिर कोई बंदा मेडिकली तौर के उत्ते बहुत वीक आ वह बीमार आपको दवाइया लैके देनिया या कुछ भी ओपरेट कराना है आप जो इस रुपया रुपया भी इकट्ठे करा तो यह बहुत वड्डी अमाउंट बन जाएगी तुसी रखनी अपने घर को मैं तुहानू फिर बेनती करदा अपने घर को रखनी है हर हफ्ते आपां कोशिश करांगे कि एक थीम आपां यानी कि लभांगे आपां इस हफ्ते किहदी हैल्प करनी है इस सहायता परिवार ना बच्चों आपां नाल लैके इस तरह बच्चों का काफिला जिहड़ा तुहाडे ब्लैसिंग्स दे नाल जिहड़ा वधदा जाऊगा इन्हां बच्चों नू नाल लैके ते आपां जिहड़ी उन्हां दी सहायता करनी है हुण इसे लड़ी दे विच मैं ज़्यादा गलबात ना करदा होया मैं तुहानू बुलाउंदा जी इत्थे राम नारायण जी पिंड कपाड़ तों हन इन्हां दे घर दा दृश्य जिहड़ा तुहानू नाल नाल इहदे विच मैं दिखा दूंगा तो जेकर मैं इन्हां दी गल करां तो हुण रात भी ये दस रहे सन कि काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है तो आ मेरे सामने पासे एक टीवी पिया है जिन्हां टीवी दे विच पानी पै गया तो इन्हां धुप्पे सुकना पाया जे चल गया तो ठीक है नहीं तो फिर ये भी जिहड़ा माड़ा मोटा इन्हां दा कोई साधन सिंगा मनोरंजन दा वह भी खत्म है तो मेरे लैफ्ट साइड के उत्ते बैठे राम नारायण जी तो अपनी थोड़ी व्यथा दसणगे हाँ जी तुसीं मैनूं पता लग्गिया सीगा कि लोन लैके बकरियां तुसीं लईआं ते लोन लैके बकरियां लईआं फिर वह बकरियां तुसीं पैदा कर पाए पाल पाए जां की होया नुकसान की होया तुहाडा बकरियां इदां जी अहीं लोन चक के इदां बैंक चों मतलब करजा चक के मतलब रिश्तेदारां तों करजा चक के तां कि बकरियां हो लईआं बकरियां लैण दे नाल साडा फिर बाग ने जूं समझो वी अपने शुरू होया बकरियां दरवाजा नहीं हैगा ते आ जिहड़ा इन्हां दा फ्रंट है इस फ्रंट नूं तुसीं ध्यान नाल देख सकदे हो ते हुण मैं इसे तरह तुहानूं निगाह बनाउंदा आ बैक हैगी है ये बैक साइड दे उत्ते तुसीं देख लो तकरीबन ओपन है ते आ पिछले पासे तुसीं निगाह मार सकदे हो पूरे दा पूरा पहाड़ है ठीक है जी तो इधरले पासे तकरीबन बाग उतरदा आ तो इधरले पासे जिहड़े इन्हां ने बनाए हैगे आ इह बकरियां नूं रखण वास्ते भी हुण इन्हां ने हौली हौली डिवेलप किए आ मेहनत करके सो कहण दा भाव कि जिस बाग दे नाम तो असी लोग डरदे आ जिस बाग दे नाम तो सानूं मतलब कि त्रेलियां आ जांदियां घर बैठिआं नूं कि उत्थे बाग आ गया जां कुछ हो गया ये लोग उहदे विच जीवन बतीत करदे आ तकरीबन मेरे हिसाब नाल महीने दे विच किते किते देख लैंदे बाग नूं हाँ जी महीने च कित हो जाता भी रौला पै जाता बाघ आ गया इतने हाँ जी इतने पै जाता हूँ जी आ पिछले मैंने उस महीने ना बोल के पिछले बरसात जो रात रात हों उस दिन भी बकरी मारे हो गया बकरी अच्छा ये दस दे भी साढ़े जरा बरसात जो शुरुआत होंगी उदो लास्ट श्राद होंगे उदों भी बकरी घर के कोलों चक के लै गया सो दोस्तों इन्हों का जीवन इन्ना संघर्ष भरया आ कि तकरीबन ये बाघ की मार के हेठा ही जी रहे हैं तो चलो मैं जिहड़ा ह्यूमन कोई कन्फलिक्ट नहीं है पर तकरीबन क्योंकि बकरियां वास्ते प्रॉपर बाड़ा ना होण करके क्योंकि वो उन्ना इन्हों को रिसोर्स नहीं है कि बाड़ा पक्का बना सकन तो इन्ने साधन नहीं है कि इन्हें बकरियों आप चारा दे सकन जंगल चो चराणियां होंदियां तो हालत जिहड़ी इदां दी हो जांदी वी जिहड़ा इन्हां दा कारोबार दा मुख जिहड़ा जरिया हैगा कि बकरियां दा दुध सेल करना ठीक है ना जी जां किसी नूं बकरी चाहीदी है वह सेल करना तो वह जिहड़ी सारी इन्हां दी यानी डिस्टर्ब हो जांदी है तो इस तों अलावा बकरियां तों अलावा होर कोई काम कार अपना हैगा जी बकरियां अलावा कोई काम कार दा अपनी सेहत जिहड़ी है ये परेशानी रहती है मतलब मेरा चार बड़ी मतलब इदा कि एक्सीडेंट मतलब पहले तुरे मोटरसाइकिल मार देंगे तो आप समझ लो हम दवाई के समझ भी हिसाब किताब से है कम कार नहीं कर सकते लड़का उन्होंने कम नहीं कोई मिल रहा हाँ जी वो कम कार तो समझ लो भी बड़ी परेशानी है इस करके है दोस्तों कह रहे कि लड़के जो कम कार नहीं मिल रहा तो आप भी तीन चार बारी एक्सीडेंट हो गया तो इस करके सिर्फ आ जो मवेशी रखे हुए गाइया या बकरियां इन्हों बाघ की मार पै जाती है इस करके घर की यानी कि कोई डिवेलपमेंट नहीं तरीके हो सकती क्योंकि आर्थिक जी व्यवस्था वो बहुत ही वधिया नहीं है सो इस संदर्भ के दोस्तों असं जो सहायता परिवार अपना चला रहे हैं उस संदर्भ के एक बहुत अच्छी चीज़ है जो असं बच्चों के हथों दोस्तों असं कहने कि बच्चे टीवी देखते हैं मोबाइल खेडते हैं बच्चे साड़ी गल नहीं सुनते तो मैं इतने दसना चाहूँगा कि अज असी बच्चों इतने लैके आए हैं ताकि हथीं
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਗੀ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੱਲਕ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 10-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਰਦ ਭਰੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਗਲੀ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਰਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਾਘ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਪਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਤਰਾ ਬਾਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਲੋਕ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਘ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਅਫਸਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਸ ਵੀ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੀਜ ਆਪਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟ ਕੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਵਿਕਾਸ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਖਲਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਆ, ਮੌਲਿਕ ਵਿਕਾਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਵਿਕਾਸ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ, ਉਹ ਅਪ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਸੀ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੀੜਿਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਆ, ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਸ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਤਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫੀਲ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਹਾਰਿਕ, ਅਸੀਂ ਅੰਕਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਮੈਂ ਗੁਰਮਨ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸਹਿਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੂੰਗੇ ਹੈਲਪ। ਹਾਂਜੀ। ਹੈਲੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ, ਆਪਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਹੁਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਮਦਦ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਮਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਿਸ਼ਦ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੈਲਪ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਮਦਦ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਮਨ ਨੂੰ, ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੈਲਪ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਾਰਵਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਈਏ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ। ਤੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਆਖਰ 'ਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਭੁੱਲ ਹਾਂ, ਜੋ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਭੁੱਲ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਛੱਡੋ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਰੁੱਖ ਦੇ ਫਲ ਪੱਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਰੁੱਖ ਦੇ ਫਲ ਪੱਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਜੈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਜੈ ਭਾਰਤ।